पद्मेश्वर महादेव मंदिर पर हुई नव दिवसीय सचंडी यज्ञ की पूर्ण आहुति, किया संतों का सम्मान। 84 महादेव में से एक आगर रोड स्थित 32वें नंबर पर आने वाले महादेव पद्मेश्वर संत गोसेवा कल्याण समिति द्वारा पद्मेश्वर महादेव पर आयोजित नव दिवसीय चंडी यज्ञ की पूर्ण आहुति रामनवमी पर हुई। इसी के साथ गुरु ब्रह्मलीन महंत सीताराम दास जी महाराज के उत्तराधिकारी रितेश गुरु महाराज का परम पूज्य महंत श्री भगवान दास महाराज द्वारा गादी प्रतिष्ठा की गई। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। पद्मेश्वर महादेव आगर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी रितेश दास महाराज, महंत अर्जुन रसिक, डॉक्टर गणपत सिंह पहलवान इंदौर, जराल सिंह, सुधीर सांकला, जीतू सांकला, नवीन हंसवाल, आदर्श राज पुरोहित, हेमंत व्यास, सोनू महाराज, चिंतामन सहित साधु संत मौजूद रहे। नवीन हंसवाल ने बताया कि इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर आसिफ नागौरी मित्र मंडली द्वारा गादीपति रितेश गुरु महाराज का सम्मान किया गया। आज हमारे रितेश गुरु जी को रामनवमी के शुभ अवसर पर गादी नशीन किया गया है। गुरु जी यहाँ से 12 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और सभी जहाँ हमारे आस पास के इतने महाराज आते हैं उनके लिए भी सेवा देते हैं और कोरोना काल के अंदर जबरदस्त काम किया इन्होंने। जो भोजन की व्यवस्था की गई लिए, जो भूख से परेशान थे उनके लिए उन्होंने कोरोना व्यवस्था की और ये 12 महीने ही भोजन प्रसादी का काम करते हैं। तो आसिफ नागौर राम निष्ठा से हमारे ये पद्मेश्वर जो मंदिर है उज्जैन के अंदर ये 84 महादेव में आते हैं और पद्मेश्वर के आप जो रत्नेश्वर जी है यहाँ के श्री महंत हैं। ये महानता ही हुई है आज नवरात्रि में विगत 12 वर्षों से अखंड पारायण चलता है यहाँ पर। रामचरितमानस आने जाने वाले जो संत सेवा अतिथि है उनकी बराबर सेवा करते रहते हैं और फिर हिंदू संगठन इत्यादि से जो धार्मिक जो संस्था है उनसे आपका संपर्क है, उससे जुड़े रहते हैं सदैव ही उसके अंदर और यहाँ पर सदैव सेवा देते रहते हैं सबके लिए, मुख्य द्वार है। तो आज जो है संत महंतों के द्वारा और लोकल मेरे उज्जैन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा जो आज है जो साधु के द्वारा रस्म की जाती है चद्दर की गादी की, तो आज रामनवमी के दिन महंत रितेश जी महाराज को अब सबने संयुक्त रूप से आज गादी पर दिया गया है और यहाँ का आधिपत्य आपको बनाया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है और जो सब लोग हैं उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद आपकी तरफ से प्राप्त हो, क्योंकि जिन जिन्होंने मिल करके इसमें सहयोग दिया और आपको जो है सबने मिल करके सम्मान दिया उसके सब अधिकारी हैं कि उनको आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो और अच्छा भंडारा चल रहा है तो आनंद हो गया आपके लिए, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा। विगत 12 वर्षों से पद्मेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में कृपालु हनुमान जी महाराज एवं शनि महाराज के सानिध्य में अखंड रामचरितमानस का पाठ हिंदू वीर सपूतों की स्मृति में विगत 12 वर्षों से किया जा रहा है और 12 वर्ष की यह पूर्णावति है। इसमें सभी समाजजनों ने, संत समाज ने, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों ने सभी ने आज यहाँ पर गादी प्रतिष्ठा करके यहाँ पर गादी प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया एवं गादी पर विराजित किया गया। जय जय सीताराम।